आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के बारे में, जो इंडिया का थर्ड रिचेस्ट स्टेट है, जिसकी जीडीपी है 259 बिलियन डॉलर्स, जिसमें की 36% आता है सर्विस सेक्टर से, 45% इंडस्ट्री सेक्टर से और 19% आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। दोस्तों, गुजरात 33 डिस्ट्रिक्ट्स वाला एक स्टेट है, जिसमें की गुजरात की 259 बिलियन डॉलर्स की स्टेट जीडीपी में अकेले अहमदाबाद ने ही 80 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। चलिए अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो गुजरात को बाकी स्टेट से अलग बनाती है। पहले नंबर पर बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में। दोस्तों, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। इसी वजह से इंडियन ओशन का ऑलमोस्ट 40% कार्गो गुजरात ही हैंडल करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुजरात को इंडिया की ऑयल कैपिटल भी कहा जाता है? और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुजरात में ही इंडिया का 59% ऑनशोर क्रूड ऑयल और 39% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है।